हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सो स्टूडेंट्स, हमने सब्ट्रैक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है लेसन 4। तो मैंने आपको होमवर्क में विदाउट जो बोरिंग थी वो वाले सम्स दे चुकी थी, जो बहुत ही सिंपल है। आपने सेकंड क्लास में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट क्लास में भी आपने सॉल्व किए होंगे सम्स। सब्ट्रैक्शन के सम हो चुके थे, आज हम विद बोरो सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या होता है विद बोरो, अभी मैं करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन थी मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया 2-3 दिन। अब मैं आपको समझाऊंगी कि विद बोरो सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? माइनस। माइनस मीन्स क्या होता है? इसका साइन ये होता है सब्ट्रैक्शन का। इसका मतलब होता है किसी एक नंबर में से किसी दूसरे नंबर को निकालना, ठीक है। एडिशन था, दो नंबर को हम ऐड कर रहे थे, है ना, जोड़ रहे थे, एक साथ गिन रहे थे। सब्ट्रैक्शन में कोई एक नंबर है, उसमें से दूसरा नंबर निकालना। जैसे मैंने कहा मेरे पास 5 रुपीज है और मैंने 2 रुपीज की टॉफी ले ली। टॉफी हमने 2 के लिए माइनस कर दिया, कितने बचे? 3। तो मेरे पास कितने बचे? 3। तो वो होता है सब्ट्रैक्शन, किसी एक नंबर में से कोई दूसरा नंबर निकालना। लेकिन एडिशन क्या था? किसी दो नंबर को हमने एक साथ प्लस कर दिया था। अब मैं बताती हूँ सब्ट्रैक्शन विद बोरो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना सब। हमारा ये क्या है, पहला नंबर ये क्या है? 7। कभी भी हम एंड से स्टार्ट करते हैं, कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेगा। 7 है और मेरे पास 7 है और कोई मुझसे कह रहा है 8 दे दो। मेरे पास है ही 7 खुद के पास और कहता है मुझे 8 दे दो, तो क्या आप 8 दे सकते हो 7 में से? नो। तो आप क्या करोगे, जो आपका नियरेस्ट नंबर है, आपके बगल वाला है या आपका पड़ोसी बोल लो, जो भी आपके नियरेस्ट नंबर है उससे आप 1 लोगे। तो इसके पास तो 7 था, इसने इससे 1 मांग लिया। अगर 1 मांग लिया तो ये क्या हो गया? 17 हो गया। 17 हो गया, इसने 1 इससे लिया। देखो 7 पहले से था, 1 इससे ले लिया, तो क्या हो गया? 17। अगर इसने 1 दिया है इसे तो इसके पास 1 कम हो गया होगा। 4 थे इसके पास, इसने 1 दे दिया, तो कितने बचे बच्चों, सोचो? यस, इसके पास बचे 3। बस इतना पहले कर लेना है आपको कि मैंने इसको दिया तो इसके पास कितने हो गए और इसने इसको दे दिया तो इसके पास कितने बचे। दोबारा बोलती हूँ, ये 7 था, 7 खुद के पास है, उसमें से वो 8 नहीं दे सकता क्योंकि 7 जो होता है वो कम होता है किससे? 8 से, है ना बच्चों? 7 क्या का होता है? 8 से कम होता है। तो मैं क्या करा, मैंने बगल वाले से ले लिया बच्चों। तो क्या हुआ, ये 17 हो गया और इसके पास 4 था, इसने 1 दे दिया तो इसके पास क्या बच गया? 3 बच गया। अब 17 में से 8 घटाओ, सारे बच्चे 17 में से 8 निकाल के मुझे बताएंगे कितना बचता है। देखिए मैं आपको इससे करके बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। आप कोई भी ऐसे ही करेगा, सब अपनी फिंगर्स पे करेंगे, ठीक है। इसमें से 8 कट कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गिनो कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने बच्चे मेरे पास? 9। सारे बच्चे अपने फिंगर्स पे करके मुझे दिखाएंगे। 17 में से 8 गया, कितने बचे? 9। अब ये 4 नहीं रहा, ये क्या है? 3, क्योंकि इसने इसको 1 दे चुका है। तो 3 में से 2 गए, कितने बचे? 3 में से 2 गए बच्चे 1, है ना। 3 है, 2 गया, कितना बचा? 1। अब देखिए फिर से 3 में से 2, अब 3 है ये 2 है, तो 3 में से 2 तो कोई भी आसानी से दे सकता है, कोई बोरो की जरूरत नहीं है। 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया, सब करो, 8 में से 1 गया, कितने बचे? अपने फिंगर्स लो और काउंट करो। हाँ, 8 में से 1 गया, बचा 7। समझ आया सबको कि कैसे ये सब विद बोरो सब्ट्रैक्शन हमें करना है? इसे नोट कीजिए, फिर मैं अगला करवाती हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 2 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये क्या है, 1, आपके पास 1 रुपीज है और कोई कह रहा है मुझे 7 दे दो, तो 1 में से कोई 7 दे सकता? खुद के पास ही उसके पास 1 है तो वो 7 कैसे दे देगा? इसके पास 1 है, फिर मैं क्या करूंगी, इससे बोरो लूंगी, जो आपका नियरेस्ट नंबर है, जो आपका पड़ोसी है बिल्कुल, उससे आप 1 मांग लोगे। 1 इसने बोरो ले लिया, तो ये तो खुद 1 था, इसने 1 ले लिया, तो अब क्या बन गया? देखो क्या बन गया ये बच्चों, ये 11 बन गया। 11 बन गया ना, ये पहले क्या था? 1 था, इसने इससे 1 ले लिया, तो क्या बन गया? ये 11 बन गया और इसने इसको दे दिया 1।
जब 9 है 1 इसने दे दिया तो इसके पास तो कब हो ही जाएंगे, तो 9 में से 1 दे दी तो कितना बचा 8, 9 था बच्चों मैंने इसे काट दिया, 9 में से इसने 1 दे दी तो कितना बचा इसके पास 8। अब 11 में से 7 करो कि कितना बचेगा, सब अपनी काउंटिंग फिंगर कप पे काउंटिंग करेंगे, 11 में से 7 गया कितना बचा, गिनो सारे कितना बचा 4, तो क्या लिखोगे आप 4। कैसे माइनस करना आपको पता है, 11 है 11 लाइन खींचो 7 काट दो 4 आएगा, नहीं होता अपने फिंगर्स पे करो सारे बच्चे। अब इसने इसको दे दी तो कितना बचा इसके पास 8, 8 में से 6 किया कितना बचा, सारे अपने फिंगर्स पे काउंट करेंगे, अपनी 8 फिंगर्स निकालेंगे, उसमें से 2 छुपा दो कितने बचे देखो 6, तो कितना लिखोगे सॉरी 8 में से 6 गया 2, 8 है उसमें से मैंने 6 माइनस कर दिया तो कितना बचा 2। अब देखिए 6 में से आपको 2 माइनस करना है तो आप माइनस कर सकते हैं, 6 बड़ा नंबर है और 2 छोटा नंबर है, तो 6 में से 2 गया 4, ओके। अब क्या है 7, 7 में से 4 माइनस करना है, कितनी है 7, 7 फिंगर्स निकालो सब अपनी और उसमें से 4 माइनस करो, कितना बचा देखो 3 बचे, तो मैं क्या लिख दूंगी 3। समझ आ रहा है कि कैसे मैंने सम्स किए हैं, अगर समझ आ गया हो तो आपका होमवर्क देखिए क्या है, बहुत इजी सा होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज 4.1 में भी एक दो सम्स बोरो वाले हैं एंड 4.3 फिल करना है कहाँ पे अपनी बुक में, अपनी बुक में एक्सरसाइज 4.1 और 4.3 के सम्स अपनी बुक्स में फिल करना है, ये सारे बच्चे पहले समझेंगे देखकर कि कैसे क्या है, देन उसके बाद बुक में करेंगे, ओके बच्चों थैंक यू।